हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल प्रीतिस केक एंड कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है पनीर सैंडविच, जो कि बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। अगर हमें जल्दी से कुछ बनाना हो और हमें समझ नहीं आ रहा हो हम क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें मैंने एक चम्मच बटर डाल दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। जब बटर थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम एक कटोरी चॉप्ड ऑनियन डाल देंगे और इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। हमें ऑनियन को ज़्यादा गलाना नहीं है। फिर हम इसमें लगभग हाफ कटोरी चॉप्ड कैप्सिकम ले लेंगे, उसे भी हम ऑनियन के साथ में सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 कटोरी लगभग चॉप्ड कैरेट ली है मैंने, इसको भी सॉटे कर लेंगे। इसमें आप सब्जियां अपने पसंद की और भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। फिर मैंने यहाँ पे लगभग 1 कटोरी चॉप्ड कैबेज लिया है। कैबेज को मैंने बिल्कुल क्रश कर लिया है, आप देख सकते हैं। फिर हम इन सारी सब्जियों को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हमें सब्जियों को बहुत गलाना नहीं है, इसे हल्का कड़क ही रखेंगे। हमारी सब्जियां अच्छे से सॉटे हो चुकी है। अब हम यहाँ पे पनीर लेंगे। पनीर को मैंने क्रश कर लिया है कद्दूकस से। यहाँ पे मैंने लगभग 250 ग्राम पनीर लिया है, उसे मैंने अच्छे से क्रश करके रखा था। इसको भी हम सब्जी में ऐड कर देंगे। फिर हम इन सारे वेजीज को पनीर के साथ में अच्छे से सॉटे कर लेंगे, इन्हें हल्का सा भून लेंगे। फिर हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और मैंने 1/2 टेबल स्पून लगभग गरम मसाला ऐड किया है इसमें, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड की है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे मैंने आटा ब्रेड ली है, ब्राउन ब्रेड। इस पे हम ग्रीन चटनी लगा लेंगे, इसके चारों तरफ अच्छे से हम ग्रीन चटनी फैलाएंगे। इसी तरह से हम अपने चारों ब्रेड पे ग्रीन चटनी को अच्छे से फैला लेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर इसमें जो हमने मसाला रेडी किया था पनीर वाला, उसको लगाएंगे, उसको भी अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे। इसी तरह से हम अपने दोनों सैंडविच ब्रेड को रेडी कर लेंगे। अब हम ब्रेड के एक तरफ अच्छे से बटर लगाएंगे। इसी तरह से हम दोनों सैंडविच ब्रेड्स पे एक तरफ बटर लगा लेंगे। फिर हम सैंडविच मेकर की हेल्प से सैंडविच रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने ग्रिल सैंडविच मेकर लिया है, जिस तरफ हमने बटर लगाया था उस पार्ट को हम नीचे रखेंगे और ऊपर वाले पार्ट पे हम फिर से अच्छे से बटर लगा देंगे। इसी तरह से हम ब्रेड के दोनों तरफ अच्छे से बटर लगा लेंगे। फिर हम सैंडविच मेकर को बंद करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए ग्रिल कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से ग्रिल हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब देखिए, हमारे सैंडविच बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, इसे हम कटर से कट कर लेंगे। अब देखिए इसका लुक्स भी कितना अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है, आप देख सकते हैं। तो आप इसका इंजॉय कीजिए केचप के साथ एंड ग्रीन चटनी के साथ। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। सो बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू इंटरेस्टिंग रेसिपी।